बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मालूमात बहुत अहम और मुअसर हथियार हैं। इससे एहतसाब का अमल शुरू होता है। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की नहीं लेकिन शिक 19A के ताबे है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा पहले सवाल किया जाता था कि आपको मालूमात क्यों चाहिए, अब उसके उलट है। अब हमारी मर्जी नहीं कि आपको कुछ दिखाएं या नहीं दिखाएं। फिल वक्त जो अहम केसेस हैं वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। कोशिश है हर हफ्ते ज़्यादा केसेस निपटाएं, धूप और रोशनी दिखाते चले जाएं तो मुआशरा तब्दील हो सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हदफ है अच्छे जजेस तायुनात किए जाएं जो कानून को अच्छी तरह समझते हों। सहाफ़ियों को हाल दिल सुनाएं तो वो कई जावियों से लिख देते हैं। आईन में भी इंदराज है। दो आज की महफिल से मुताबिक दो शिकें हैं ऐसी जो नहायत अहम हैं। एक शिक 19 है जहाँ के जिसमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस का बिलखसूस सहाफत की आज़ादी का बिलखसूस जिक्र है। मालूमात फराहम करने का बुनियादी हक सुप्रीम कोर्ट भी 19A जो बुनियादी हकूक है उसके ताबे है। आइन के तहत ये जो मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई हमें देना चाहिए। पाकिस्तान में की तारीख में पहली दफ़ा खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रजिस्ट्रार के अहदे पे हैं। कुछ रुकावटें खड़ी गई की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो हटा दी गई। वकीलों की तंजीम या और अदलिया में ऐसा कुछ फर्क नहीं है। अगर एक ही हदफ हो और वो हदफ है कि लोगों को अच्छे जजेस अपॉइंट किए जाएं जो काम करना चाहते हैं, इनका रेपुटेशन अच्छा है, जो कानून अच्छी तरह समझते हैं।